नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त एक अहम खबर के साथ। पश्चिम बंगाल सरकार ने सशर्त धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है और 1 जून से पश्चिम बंगाल में अब सभी धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि सभी किस्म के धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगी हुई थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब पश्चिम बंगाल सरकार ने शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन एक वक्त में 10 से ज्यादा लोग किसी भी जगह पर नहीं जुटेंगे। बड़े धार्मिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगी रहेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सभी स्कूल्स जून महीने में बंद रहेंगे, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने चाय और जूट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को पूरी तादाद में काम करने की छूट दे दी है, यानी 100% वर्कफोर्स के साथ इन दोनों सेक्टर्स में अब कामकाज हो पाएगा। और इस वक्त देश के क्या हालात हैं कोरोना के लिहाज से, वो भी आप देख लीजिए। देश में 1,65,799 कोरोना पॉजिटिव लोग आ चुके हैं, जबकि 4,706 लोगों की मौत हो गई है और 71,106 कोरोना पॉजिटिव लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जो इलाज के बाद अपने घर जा चुके हैं। इस वक्त देश में 89,987 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 3,414 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो देश में कोरोना से रिकवरी का रेट बहुत अच्छा है, हेल्दी है, 42.89% के करीब। और एक बड़ी खबर है इस वक्त भारत की जीडीपी से जुड़ी हुई। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट घटा है। जनवरी से मार्च की तिमाही में सिर्फ 3.1% माफ कीजिएगा, ये जीडीपी ग्रोथ रही है भारत की। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और कुल जो पूरे वर्ष की वित्तीय वर्ष की ग्रोथ रेट थी वो 4.2% रही है और आर्थिक मोर्चे से ये एक बुरी खबर है कि आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ केवल 3.1% की रही। तो ये ताजा खबर आई है और अब से थोड़ी देर के बाद हम बात करने जा रहे हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आर्थिक मोर्चे पर। अब ये नए आंकड़े जो सामने आए हैं, ये आगे क्या है, आगे की तस्वीर को लेकर के कितनी आशा देते हैं या कितना निराश करते हैं, उनसे हम पूछेंगे। साथ ही जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देश के लिए मोदी सरकार ने दिया है, उसके लिए उसमें आपके लिए क्या है, खासतौर पर आपकी जेब में क्या जाएगा, आपका कितना ख्याल रखा है सरकार ने, तमाम मोर्चों पर उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन थोड़ी देर में वो जुड़े, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको और दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक बहुत हैरान करने वाली तस्वीर आई है। दोपहर करीब 3 बजे उधमपुर के काली माता मंदिर के पास एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी में आग लग गई। इसमें 300 के करीब सिलेंडर थे। आग लगने के बाद एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग अब काबू कर ली गई है। सुन सकते हैं एक के बाद एक जब सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और लगभग 15 सिलेंडर ब्लास्ट हुए जो इस गाड़ी में। देखिए ये मेन रोड की तस्वीर है। ये अच्छी बात है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। 15 सिलेंडर ब्लास्ट एक साथ एक के बाद एक।